Good morning and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So guys, we are going to start the daily The Hindu news analysis for 15th of January 2020. First of all, I would like to tell you about the upcoming course, that is Current Affairs Roundup 365. The last date is today itself. So aaj last date hai, isko aap join kar sakte hain is course ko. This will be a kind of revision course कम कवरेज कोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन. रिविजन प्लस कवरेज दोनों इसमें इंश्योर्ड हो जाएंगे आपकी. ऑल दी स्कीम्स, ऑल दी पॉलिसीज, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अ मैनर दैट यू गाइज वुड बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स फॉर योर प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस 2020. क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज, स्कीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बिल्स दैट हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स जो हैं उसमें क्रिटिकल एनालिसिस क्या है. For polity, economy, geography, every section of current affairs will be covered. India Yearbook ka gist bhi isme provide kiya jayega. So this course, because of its very nature and because of the hard work that we put in, has emerged as one of the best courses on Unacademy. It's going to be the third year since the launch of Unacademy Plus that I have been bringing out this course every year. So I'm known on Unacademy for this course. You can rely on this course for your current affairs preparation for prelims exam as well as mains exam. So coming to the DNA for today, guys, let's proceed to the DNA. Nirbhaya case, Supreme Court throws out curative pleas of two death row convicts. तो जो टू डेथ रो कन्विक्स हैं उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया है क्यूरेटिव पिटीशन को. क्यूरेटिव पिटीशन जुडिशियल एरिना में लास्ट ऑप्शन होता है एक कन्विक्ट के पास में, राइट. सो दिस इज द लास्ट ऑप्शन विद अ कन्विक्ट कि अगर जुडिशियल गलियारे में हम देखें तो अब इसके साथ में ये चीज खत्म हो जाती है, क्लियर. अब इनको इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है प्रेसिडेंट के पास में आर्टिकल 72 के अंडर जो है पार्डनिंग पावर के अंडर प्रेसिडेंट से माफी मांगना कि हमसे गलती हुई. सो दिस इज देयर. तो ऐसे ही बाकी की न्यूज आर्टिकल्स को कवर करेंगे. नो रिस्पाइट फॉर इंडिया इंक एज क्वार्टर थ्री रेवेन्यूज में ड्रॉप. Poor demand is the likely cause, ये क्रिसिल का कहना है. क्रिसिल यानी कि एक रेटिंग एजेंसी जो इंडिया की खुद की रेटिंग एजेंसी है. नाउ इसी के साथ साथ लाइव मिंट को भी कवर करेंगे. रिमूवल ऑफ करेंसी मैनिपुलेटर टैग बाय यूएसए इज इन लाइन विद द फैक्ट्स, चाइना का ये कहना है, राइट. तो वन बाय वन और भी न्यूज आर्टिकल्स. रायसेना डायलॉग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इस बार प्रीलिम्स के लिए. रायसेना डायलॉग तो जो लोग काफी टाइम से डीएनए कवर करते आ रहे उन्हें पता होगा जिन चीजों पे इंपॉर्टेंट कहा जाता है उनकी प्रोबेबिलिटी प्रीलिम्स में आने की ज्यादा रहती है. एसर एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का क्या कहना है, इट फ्लैग्स पुअर लर्निंग आउटकम्स इन रूरल स्कूल्स. कॉग्निटिव स्किल्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स विद बेसिक लिटरेसी. ये सब चीजें कवर करते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं क्विकली. सो कमिंग हियर, अ न्यू वायरस दैट इमर्जेस इन चाइना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फिर उसके बाद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ी फिलीपींस वॉल्केनो की ये न्यूज भी हमें कवर करनी है. और डाउन टू अर्थ से भी इसमें कुछ कुछ मैगजीन से ये लिया गया है. काफी टॉपर्स ये कहते हैं कि डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़नी चाहिए, लेकिन आप जतिन वर्मा के डेली न्यूज एनालिसिस में है तो दीज थिंग्स वेयर एवर रिक्वायर्ड विल बी covered in this DNA itself. Don't worry about coverage of these news articles. So now coming here, PIB also will be covered. Editorials pe sabse pehle aate hain. This article is of use for us, theological ticket. The article says that the hearing by the Supreme Court bench on the nature of religious freedom under the constitution has revealed the conceptual confusion over the reference made to the Supreme Court. Supreme Court must mark its limits of religious freedom against which legality of practices can be tested. The article ye kehta hai ki hearing by the Supreme Court bench on the nature of religious freedom. Kyunki abhi jo case file kiya gaya hai Sabarimala judgment mein, Sabarimala judgment ka review file kiya gaya hai, to usi se related ye article hai. ये आर्टिकल एडिटोरियल ये कहता है बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट को एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि किस दायरे में रिलीजियस फ्रीडम के सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा और किस दायरे में नहीं करेगा, राइट. तो ये आर्टिकल थोड़ा अच्छा है एम्पावर्ड मेयर्स के लिए. दिस आर्टिकल सेज दैट द प्रेजेंट सिस्टम डज नॉट हेल्प डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स इन इंडिया. मेयर्स इन मेनी ग्लोबल सिटीज गो ऑन टू लीड देयर कंट्री. इन इंडिया इट इज द ऑपोजिट स्टोरी. Ironically, because the powerless mayors have running battles with municipal councillors, states such as Rajasthan and Tamil Nadu, to name just two, abandoned the direct election to the post.
अब इसमें राइटर कह क्या रहे हैं, हमारी कंट्री में जैसे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी कंट्री में मेयर का इलेक्शन भी होता है। मेयर के इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। दीज आर म्यूनिसिपल काउंसिलर्स जो आपके वार्ड्स में होते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिलर्स, दीज MCs, म्यूनिसिपल काउंसिलर्स, इफ देर आर 25 म्यूनिसिपल काउंसिलर्स इन अ सिटी, तो अगर 13 किसी मेयर की मेयोरियल कैंडिडेट की फेवर में वोट करेंगे तो वो पर्सन मेयर बन जाएंगे। तो आर्टिकल का ये कहना है कि हमारी कंट्री में डायरेक्ट इलेक्शन अगर मेयर का करवाया जाता है, दूसरा यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है कि मेयर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल रादर देन MCs चूजिंग द मेयर, मेयर शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये एक ऑप्शन हो सकता है, दिस कुड वेल बी एन ऑप्शन। बट ऐसा अभी हमारी कंट्री में डायरेक्ट इलेक्शन जहां जहां पे करवाया गया है, तमिलनाडु और राजस्थान में, वहां पे ये पाया गया कि मेयर और जो म्यूनिसिपल काउंसिलर्स हैं उनके बीच में काफी ज्यादा एक पावर कंपटीशन हो जाता है। मेयर कुछ कहते हैं, मेयर जो है अपनी धुन में चलते हैं और म्यूनिसिपल काउंसिलर्स अपनी धुन में चलते हैं, तो ये चीज यहाँ पे प्रॉब्लम जो है फ्रिक्शन पैदा करती है मेयर्स के बीच में और म्यूनिसिपल काउंसिलर्स के बीच में, राइट। तो दिस इज देयर कमिंग हियर दिस पार्ट, द आर्टिकल सेज दैट सिंस 2003 इराक हैज बिकम द प्रिंसिपल अरीना इन विच यूएस ईरान कॉम्पिटिशन हैज प्लेड आउट इन वेस्ट एशिया, राइट। तो इट इज इट्स अनरेवलिंग इज बाउंड टू अफेक्ट सीरिया एंड लेबनन, बोथ सफरिंग फ्रॉम द स्टेट debilitation and could lead to an unstoppable domino effect. ये article ये कहता है कि since 2003 Iraq has become the principal arena in which USA-Iran competition has played out in West Asia. तो हम लोग सभी जानते हैं कि West Asia has become a chessboard, right? USA एक चाल चल रहा है, उधर से Russia एक चाल चल रहा है, तो इसको chessboard बना दिया गया है और इसमें कुछ कुछ जो प्यादे हैं या जो यहाँ पे जिनकी बलि चढ़ रही है वो कंट्रीज कौन सी हैं, एक वैसे सीरिया, इराक, अफगानिस्तान थोड़ी दूर हो गया, इससे पहले हमने देखा कि जैस्मिन रेवोल्यूशन चल रहा है, तो ये चालें चलने के लिए इस एरिया को रिजर्व कर लिया गया है, राइट। अब इसमें ईरान जो है, ईरान और USA अब इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस तरफ ईरान है, इस तरफ सीरिया है, अगर हम गेम ऑफ चेस को देखें तो बेसिकली USA ये दिखा रहा है कि USA अभी भी पावरफुल है, रशिया ये दिखा रहा है कि अब जो है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है, तो कभी ईरान में लड़ाई लड़ी जाती है, कभी लेबनन में, कभी पैलेस्टीन को मोहरा बनाया जाता है इस वेस्ट एशियन गेम ऑफ चेस में। तो मेन प्लेयर कौन है, USA और रशिया, इन दोनों के प्रॉक्सीज कौन है, रशिया के लिए ईरान है और USA के लिए सीरिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ कमिंग ईयर ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इस, ये इंडिया के लिए कैसा है, इंडिया के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, राइटर ने इसमें इसके लिए बात नहीं करी है, लेकिन वी रिक्वायर अ पीसफुल वेस्ट एशिया बिकॉज वेस्ट एशिया और गल्फ रीजन और मिडल ईस्ट इज द सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल सप्लाईज फॉर इंडिया, राइट। तो हम अगर हम यहाँ पे देखें, अब आपको ये बताना है लेबनन की कैपिटल क्या है, सीरिया की कैपिटल क्या है और सीरिया के जो प्रेजिडेंट है उनका नाम क्या है ये आप बता सकते हो, और मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज जो है सराउंड करती हैं। मेडिटेरेनियन सी टचेस द बाउंड्रीज ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज कंट्रीज, ये आपको बताना है, राइट। तो इसके इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें, इसी रीजन से जुड़ा क्वेश्चन है, इज इसराइल अ नेचुरल अलाय ऑफ इंडिया, और ईरान में 2003 में इराक में जो वॉर हुआ था, वॉर ऑन टेरर, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ये आपको पता है ऑलरेडी, सद्दाम हुसैन को जो है तख्ता पलट करने के लिए, सद्दाम हुसैन वॉज अ डिक्टेटर इन इराक, उसको उखाड़ फेंकने के लिए USA ने क्या किया, USA ने वॉर ऑन टेरर का बहाना लिया, और असली मैटर ये था कि इराक में जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनका उनको हत्याना एक मेजर रीजन था USA's इन्वेजन इनटू इराक। इराक के बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान में एंगेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ाया गया, अफगानिस्तान में मिलिट्री डिप्लॉय करी गई और पूरा रुइंस में है, इसी तरह से वियतनाम में भी USA ने पास्ट में ये सब चीज़ें कर रखी हैं। नाउ कमिंग टू इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज, नो रिस्पाइट फॉर इंडिया इंक फॉर इंडियन इंडस्ट्री एज Q3 रेवेन्यूज में ड्रॉप, वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या क्या सेक्टर्स में
डिक्लाइन देखने को मिल रही है. लोअर कमोडिटी प्राइजेस एंड लैंग्विशिंग डिमांड अक्रॉस कंजम्पशन सेगमेंट्स लाइक लाइकली पेयर्ड इंडिया इंक्स रेवेन्यू फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑन द ट्रॉट इन थ्री मंथ्स एंडेड दिसंबर अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रिसर्च एस्टिमेट. क्रिसिल रिसर्च एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लैंग्विशिंग डिमांड अक्रॉस द कंजम्पशन सेगमेंट्स. इट इज नॉट अबाउट वन. Now, the estimate was based on an analysis of 300 companies that account for about 60% of the market capitalization. Yani ki 300 badi companies, jisme ki 60% overall jo companies ka capital hai, puri market ka jo capital hai, 300 ye companies 60% of the capitalization represent karti hai national stock exchange pe. Excluding banking, financial, service and insurance and oil players. ये सब कंपनीज को निकाल दें, बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंशियल सर्विसेज की, इंश्योरेंस या ऑयल प्लेयर्स को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो ये 300 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी कंपनीज में ये देखा गया कि डिमांड जो है कम हो रही है. उनके जो ये जो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है. द रेवेन्यू ऑफ सर्वेड फर्म्स डिक्लाइन 2-3% ईयर ऑन ईयर इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2020 mainly due to muted private consumption and decline in revenue of industrial and construction linked sectors. At 2-3% the decline exacerbates the pain from a 3-4% fall. तो अब अगर हम देखें कि revenue of survey जो surveyed firms हैं उनका revenue decline हो रहा है 2-3%. Decline exacerbates the pain from a 3-4% fall seen in previous quarter. और बिटवीन सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19 यानी कि 2019-20 जो साल चल रहा है उसमें सेकेंड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर के बीच में एग्रीगेट रेवेन्यू हैड ग्रोन 11-12% ऑन एन एवरेज. एग्रीगेट रेवेन्यू ऑफ लिस्टेड ऑटो प्लेयर्स इज एस्टिमेटेड टू हैव फॉलन 9-10% इन द थर्ड क्वार्टर. रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, शैम्पू, चॉकलेट्स, बालेजी बिस्किट्स एंड अदर ब्रिटानिया बिस्किट्स एंड दी लाइक आइटम्स, राइट, फेयर एंड लवली और ये सब चीजें. तो रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव मॉडरेटेड अराउंड 4-6% ओइंग टू वीकनिंग रूरल कंजम्पशन. तो ये सब चीजें हैं, ये ग्राफ थोड़ा सा आप देख सकते हो. अर्निंग बिफोर टैक्स ये इसे कहा जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स. सो ये सब चीजें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बेसिकली, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा तो. ऑटोमोबाइल रेवेन्यू, तो जैसा हमने देखा कि रेवेन्यू डिक्लाइन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम देखने को मिल रही है. इट इज एस्टिमेटेड टू हैव डिक्लाइन 9-10% ईयर ऑन ईयर लेड बाय सीवी सेगमेंट. तो यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट इसे बोला जाता है, जैसे कि इनोवा जैसी बड़ी कारें ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज होती हैं. रेवेन्यू फॉर Commercial vehicle manufacturers is estimated to have declined 32% year on year in quarter 3 owing to 29% on year fall in sales volume. तो हम देख रहे हैं automobile sector में भी decline है. Broad trend देखते हैं steel product का क्या कहना है. Steel products में क्या चल रहा है. It is estimated to have declined around 18% on year owing to a fall in realization and moderating demand. Then this one, domestic steel prices are estimated to have declined 10-12% on year in quarter 3 following the global cues despite pickup in the steel prices post October 2019. Now revenue of petrochemical companies, it is estimated to have decreased 17-19% on year owing to lower realization due to fall in feedstock naphtha price. नैप्था किस लिए यूज होता है आपको ये बताना है. पेट्रोकेमिकल कंपनीज में नैप्था की क्या यूज रहती है ये आपको बताना है. कभी कभी ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं गाइस. तो प्राइस ऑफ की प्रोडक्ट्स इज एस्टिमेटेड टू हैव डिक्लाइन बिकॉज ऑफ एम्पल सप्लाई अलॉन्ग विद लो अपस्ट्रीम प्राइजेस. अपस्ट्रीम प्राइजेस देखो दो तरह की चीजें हैं. अपस्ट्रीम प्राइजेस मतलब जो कंपनीज एक्सट्रैक्शन में है, ऑयल एक्सट्रैक्शन में. डाउन स्ट्रीम इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो कि डाउन स्ट्रीम जो कि पेट्रोल को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती हैं, मार्केट करती हैं, उन्हें डाउनस्ट्रीम कंपनीज कहा जाता है. जो कंपनीज ऑयल एक्सप्लोरेशन में उन्हें अपस्ट्रीम कहा जाता है फॉर योर नॉलेज. नाउ इन द केस ऑफ पावर एट एन एग्रीगेट लेवल दैट इज अक्रॉस जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एग्रीगेट लेवल पे अगर हम देखें पावर सेक्टर का क्या हल है. रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू हैव डिक्लाइन 3-4% ऑन ईयर
because of a slowdown in the power demand across the regions. Clear? So, this is a trend hai overall. Also, the transmission revenue is likely to have increased only 7-8% year on year because of a sharp decline in capitalization in the first half of fiscal 2020. First half of the fiscal year 2020. Now, decline in auto, power, petrochemicals and steel products revenue growth likely. Other sectors to see moderation. So, ye sab cheezein FMCG, IT services, petrochemicals. Overall, jo hai decline dekhne ko mil raha hai. Ab ek aur cheez yahan pe study karte hain. Interesting. I would like to explain currency manipulator China ko kyun kaha jata hai. Removal of currency manipulator tag by USA is in line with the facts, says China. So, in a sign of easing tensions between USA and China, USA removed the currency manipulator label after nearly 2 years of conflict between USA and China. Right. Now, reacting to USA's decision to reverse its decision to declare China as a currency manipulator, Chinese Foreign Ministry ka ye kehna hai, China is not an exchange rate manipulator. The latest conclusion of USA is in line with the facts and consensus of international community. Now, recently, a recent IMF assessment concluded that level of RMB, RMB China ki official currency hai, RMB ka level jo hai, ab hum isse samajh lete hai pehle thoda sa guys. Dekho, ho kya raha tha? Basically, USA, kyunki USA ki currency jo dollar hai, wo उसे हम रिजर्व करेंसी मानते हैं, प्रीमियम करेंसी मानते हैं. तो वर्ल्ड में जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शन है, वो डॉलर्स में होता है. अब यूएसए ने अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी यूएसए लेके आया. फेड रिजर्व ने रेट जो डॉलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंट करने स्टार्ट कर दिए. अब अगर डॉलर ज़्यादा प्रिंट होगा तो ध्यान देना माई डियर फ्रेंड्स, आई एम एक्सप्लेनिंग अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू यू गाइज हियर. तो फिर इससे क्या होगा कि अगर फेड रिजर्व करेंसी ज़्यादा प्रिंट करेगा, यानी कि यूएसए के डॉलर की वैल्यू जो है डाउन जाएगी, रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी. जब से 2007-8 रिसेशन हुआ, यूएसए ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए अपनी कंपनीज को कम ब्याज दर पे, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा डॉलर्स प्रिंट करके पैसा देना शुरू कर दिया. इससे क्या होगा, डॉलर की वैल्यू जो, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो डॉलर की वैल्यू विल गो डाउन एंड रुपी की या फिर आरएमबी की वैल्यू इंक्रीज होगी. कंपैरेटिवली रेनमिनबी की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, नेचुरली होगी, क्योंकि डॉलर की वैल्यू, डॉलर सप्लाई, मान लो कि ये ओशन ऑफ करेंसीज है वर्ल्ड का, तो अगर यहाँ पे डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो वैल्यू ऑफ डॉलर वुड गो डाउन. एंड रिलेटिव टू इट, अगर रुपये की वैल्यू वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, तो रुपये की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. अब अगर इंडिया के रुपये की वैल्यू या चाइना की रेनमिनबी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर यदि पैसा एक्सपोर्ट करके मार्केट में लेके आएगा, अगर मान लो कि चाइनीज़ एक्सपोर्टर ने चाइना को कुछ, यूएसए को कुछ एक्सपोर्ट करा और रिटर्न में अगर डॉलर्स मिलेंगे, तो डॉलर के बदले में रेनमिनबी कम मिलेगा चाइनीज़ एक्सपोर्टर को. एक्सपोर्टर जब पैसे वापस लेके आ रहा है, तो वो रेनमिनबी में डॉलर को कन्वर्ट कराएगा, तो उसको कम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक डॉलर की वैल्यू यदि 70 रेनमिनबी था फॉर एवरी सिंगल डॉलर, अब वो 65 रेनमिनबी हो जाएगा, क्योंकि डॉलर के कंपैरिजन में रेनमिनबी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, क्योंकि डॉलर सप्लाई में ज़्यादा है. यूएसए अपनी मनी सप्लाई को मैनिपुलेट कर रहा था, और चाइना ने अपने एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए क्या किया, चाइना ने जानबूझ के जितनी ज़्यादा तादाद में, जितनी ज़्यादा अमाउंट में डॉलर्स मार्केट में यूएसए उतार रहा था, उतनी ही कम अपनी रेनमिनबी की वैल्यू चाइना करते चले गया. यानी कि अगर यूएसए ने 70,000 न्यू डॉलर्स मार्केट में उतारे, तो चाइना ने कॉन्कॉमिटेंटली अपनी करेंसी की वैल्यू बचाने के लिए 70 रेनमिनबी फॉर एवरी डॉलर रखने के लिए, ताकि एक्सपोर्टर को नुकसान ना हो, अपनी वैल्यू को फ्रीज कर दिया. और जैसे जैसे अगर यूएसए, मान लो कि ये पानी का ग्लास है यूएस डॉलर्स का, यूएसए अगर इस सप्लाई को बढ़ाएगा, तो चाइना अपनी करेंसी की, रेनमिनबी की वैल्यू को और ज़्यादा गिरा देगा, ताकि जब एक्सपोर्टर पैसे डॉलर वापस लेके आए, तो उसको ज़्यादा रेनमिनबी मिले, 75 रेनमिनबी मिले, ताकि एक्सपोर्टर को ये लगे कि उसे यूएसए को एक्सपोर्ट करने में नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है.
अब यूएसए इसका नाजायज फायदा उठा रहा था। यूएसए क्या कर रहा था, यूएसए ये चाइना के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाने लगा कि चाइना इज करेंसी मैनिपुलेटर, कि चाइना अपनी करेंसी को फ्री फ्लोट नहीं होने दे रहा है, फ्रीली अराइव नहीं होने दे रहा है वैल्यू को, बल्कि मैनिपुलेट कर रहा है। चाइना का ये कहना था कि चाइना गलत नहीं है, इसके पीछे यूएसए का हाथ है, क्योंकि यूएसए रिजर्व करेंसी, डॉलर के रिजर्व करेंसी होने का ज़्यादा फायदा उठा रहा है। इज दिस क्लियर? तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते थे, और अब फाइनली यूएसए ने चाइना के अगेंस्ट ये जो करेंसी मैनिपुलेटर का जो एलिगेशन लगा रखा था उसे रिमूव कर रखा है। हालांकि इन द फर्स्ट प्लेस यूएसए गलत था, क्योंकि यूएसए क्या था, यूएसए करेंसी मैनिपुलेटर तो था ही, यूएसए साथ में ये भी कर रहा है कि यूएसए मनी सप्लाई को मैनिपुलेट कर रहा था, डॉलर्स की सप्लाई को मैनिपुलेट कर रहा था, जिस वजह से इंडिया के एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान हो रहा था, चाइना के भी, ब्राज़ील के भी, और हर ऐसी कंट्री को जिसको जो कि यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा करती हैं और इम्पोर्ट कम, राइट? तो यूएस ट्रेजरी सेड इन इट्स सेमी एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस दैट चाइनीज युआन हैज स्ट्रेंथेंड एज बीजिंग इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ करेंसी मैनिपुलेटर। अब देखो, चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस नहीं कर रहा, तो चाइनीज युआन जो है वो स्ट्रेंथेन होने लग गया है। सपोर्टिंग इट्स डिसीजन टू रिमूव द लेबल, यूएस सेड इट मेड द डिसीजन बिकॉज चाइना हैज अग्रीड टू रिफ्रेन फ्रॉम डिवैल्यूइंग इट्स करेंसी टू मेक इट्स ओन गुड्स चीपर फॉर फॉरेन बायर्स। The phase one pact is aimed at de-escalating a tit-for-tat tariff war the two countries have engaged in since 2018. तो tit-for-tat जो दोनों countries के बीच में चल रहा था वो अब phase one एक agreement sign करा गया दोनों countries के बीच में। ये एक informal agreement है, कोई formal नहीं है इसके दोनों countries के बीच में। USA ने officially चाइना को करेंसी मैनिपुलेटेड टैग देना शुरू कर दिया था। अब बाकी की चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, इसमें जो लोग लेट से आ रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट रहेगा कि एटलीस्ट ये वाले पार्ट को दोबारा से कवर कर लीजिएगा। टैरिफ्स हैव बीन इम्पोज्ड। नाउ यूएस टैरिफ पॉलिसी एम्स टू एनकरेज कंज्यूमर्स टू बाय अमेरिकन बाय मेकिंग इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव। यूएसए हैज इम्पोज्ड टैरिफ्स ऑन मोर दैन $360 billion ऑफ चाइनीज गुड्स and China has retaliated with tariffs on more than $110 billion of US products. Washington delivered 3 rounds of tariffs last year and a fourth one in September. The most recent round targeted Chinese imports from meat to musical instruments. तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा हमने अवेयरनेस इसका ले लिया है। आई हैड एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। It would be better if we proceed to the next news article. Now, polity and governance related news articles for GS Mains Paper 2. Raisina Dialogue. International relations ke liye ye important hai. Raisina yani ki Delhi mein ye ho raha hai. World leaders discuss challenges like US-Iran tensions and climate change. India's flagship global conference on geopolitics. The Raisina Dialogue began with 7 former heads of government sharing their perspectives on challenges facing the world, including the US-Iran tensions, Afghan peace initiatives, and climate change. The 3-day conference will see participation of 12 foreign ministers, including from Russia, Iran, Australia. तो ये 12 foreign ministers इन countries से आ रहे हैं इंडिया में, South Africa, Estonia, Czech Republic, Denmark, ये सब countries इसमें part ले रही हैं। तो थोड़ा सा इन नामों पर आप नज़र डालोगे prelims के लिए, ये थोड़ा सा important हो जाते हैं guys. India's role and policy during the inaugural session attended by Prime Minister of India, Danish Prime Minister and ex-NATO Secretary General said, we would like to see a global alliance of democracies to stand up to oppressive rulers and regimes and India could play an important role in such a coalition of countries. Right? The term Indo-Pacific reflects the recognition that India's power and purpose will be vitally important to the region and to resolving and supporting the shared security challenges. India has taken on an increasingly active role in Indian Ocean. Indian foreign policy seeks to achieve a broad engagement with many parties and managing, if not leveraging, the global contradictions, advancing our interest in a multipolar world and contributing to the global good. Right, so these things are there. Discussions, important challenges facing the world related to
ग्लोबलाइजेशन, ये सब मुद्दों पे डिस्कशन हुआ. दीज मैटर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दीज आर दी मैटर्स विच वर टेकन अप फॉर डिस्कशन इन दी इंडिया लेड जियो पोलिटिकल समिट कॉल्ड एज रायसीना हिल. क्योंकि ये इंटरनेशनल समिट है तो इसकी इंपॉर्टेंस हम अंडरमाइन नहीं कर सकते. आपको ये थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा. ग्लोबलाइजेशन पे डिस्कशन हुई क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि कंट्रीज विड्रॉ करती जा रही हैं बिकॉज ऑफ यूएस लेड एडवेंचर्स, राइट. 2030 एजेंडा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये मेजर मेजर इश्यूज जो हैं इस समिट में रायसीना डायलॉग में डिस्कस करे गए. यूएसए ईरान टेंशन, अफगान में क्या क्या पीस इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ऑल दीज थिंग्स वर टेकन अप. ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन द स्पायरलिंग यूएस ईरान टेंशंस फॉलोइंग द किलिंग ऑफ ईरानियन जनरल कासिम सोलेमनी इन अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक वर ऑल्सो डिस्कस्ड. Discussing the challenge of climate change, achieving zero carbon is important to combat climate change, but it is important to get national consensus on achieving this target as well. Some leaders said that climate change cannot be tackled through targets. We need zero emission technology and development. So this is there. अब आते हैं इंडो पैसिफिक है क्या, ये आपको पता करना जरूरी है. कुछ कुछ क्वेश्चंस मैप से रिलेटेड रहेंगे. ये कौन सा रीजन है अफ्रीका का, प्लीज आंसर क्विकली. व्हाट इज दिस रीजन ऑफ अफ्रीका. और इंडो पैसिफिक स्ट्रेचेस फ्रॉम ये अफ्रीकन पार्ट टिल ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कम्स अंडर इंडो पैसिफिक रीजन. यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का आइडिया प्रपोज किया गया था, इफ यू गाइज आर अवेयर. क्वाड्रिलेटरल का आइडिया क्या है, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान को मिला के चार कंट्रीज बनती हैं जिसे कि क्वाड्रिलेटरल कहा गया था. इन कंट्रीज को ये कहा जा रहा था कि आप जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज इसमें कराइए ताकि चाइना जो है, चाइना यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस के लॉ एंड ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है फॉर इंटरनेशनल सीज, तो उसके लिए चाइना पे लगाम कसने के लिए क्वाड्रिलेटरल का आइडिया प्रपोज किया गया था. एम आई क्लियर. इज इज क्लियर टू एवरी वन. क्वाड्रिलेटरल का आइडिया आ गया यहाँ पे. तो ये सब चीज़ें करी जा रही थी. सो दीज थिंग्स आर देयर इंडिया और ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा स्टडी करनी होंगी गाइस. नाउ अबाउट रायसीना डायलॉग, इट इज अ मल्टी प्रिलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये फोकस है प्लीज. नाउ इट इज अ मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी. एवरी ईयर ग्लोबल लीडर्स इन पॉलिसी, बिजनेस, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी आर होस्टेड इन न्यू दिल्ली. यानी कि ये सिर्फ मिनिस्टर्स तक कन्फाइंड नहीं रहता, पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो देयर, पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस ग्रुप्स इज ऑल्सो देयर. द चेयरपर्सन ऑफ बिजनेस लीडर्स लाइक फिक्की एंड the similar bodies from other countries are also invited. Okay, New Delhi में होता है हर साल रायसीना, यानी कि President House जहाँ पे located है. Now the dialogue is structured as a multi-stakeholder, cross-sectoral, यानी कि सिर्फ foreign policy of countries ही नहीं बल्कि cross-sectoral, business, media, इन सब की discussion होती है. Involving the heads of states, cabinet ministers and local government officials. Even local government officials also participate, as well as major private sector executives. Conference is hosted by Observer Research Foundation, hosted by ORF, in collaboration with Government of India, Ministry of External Affairs. ORF important hai, right? Observer Research Foundation. Now, ab aate hai Supreme Court pe. Supreme Court throws out curative pleas of two death row convicts. सुप्रीम कोर्ट ने इनकी क्यूरेटिव पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर पे जजमेंट देता है, उस जजमेंट में यदि आपको प्रॉब्लम है या जिस जो एक्यूज्ड हैं उनको अगर प्रॉब्लम है, कन्विक्ट हैं उनको अगर प्रॉब्लम है, तो उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या कोई भी दोनों पार्टीज़ चाहे वो प्लैंटिफ हों या फिर जो फिर डिफेंडेंट हैं, दोनों इसमें कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. जजमेंट का रिव्यू पिटीशन फाइल किया जा सकता है अगर उसमें कोई लीगल टैंगल है, अगर ये लगता है कि लॉ को गलत इंटरप्रेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा, तो रिव्यू पिटीशन फाइल करी जा सकती है. रिव्यू पिटीशन के बाद लास्ट एक और ऑप्शन जो जुडिशियल दायरे में बचता है वो कौन सा है, क्यूरेटिव पिटीशन. अब इन कॉन्विक्ट्स ने, निर्भया रेप कॉन्विक्ट्स ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. इन तीनों
मैटर्स को, फर्स्ट प्लेस में जजमेंट, उसके बाद रिव्यू पिटीशन, उसके बाद थर्डली क्यूरेटिव पिटीशन। अगर ये तीनों रिजेक्ट हो जाती हैं तो चौथा ऑप्शन क्या बचता है, 72, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंडर ये किया जाता है। इट ऑल्सो रिफ्यूज, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिसमिस द रिव्यू पिटीशन फाइल्ड बाय वन ऑफ द फोर कंडेम्ड मेन टू रिव्यू इट्स मे। सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मई 5, 2017 की, 5 मई 2017 की जजमेंट को रिव्यू करे, कन्फर्मिंग द डेथ पेनल्टी फॉर निर्भया रेप कॉन्विक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिफ्यूज दिस प्ली टू ग्रांट हिम 3 weeks टाइम टू फाइल अ मर्सी पिटीशन बिफोर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्यूरेटिव प्ली होता क्या है, क्यूरेटिव प्ली इज अ रेयर रेमेडी डिवाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट इन रूपा अशोक हुर्रा केस इन 2002। तो क्यूरेटिव पिटीशन किन किन एवेन्यूज में फाइल किया जा सकता है, इसके प्रिंसिपल्स वर लेड डाउन बाय द प्रिंसिपल्स फॉर एक्सेप्टिंग द क्यूरेटिव पिटीशन और रिजेक्टिंग द सेम वर लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन रूपा अशोक हुर्रा केस। About curative detention, a curative petition may be filed after a review plea against the final conviction is dismissed. Right? It is meant to ensure there is no miscarriage of justice and to prevent the abuse of the process. A curative petition is usually decided by judges in chamber unless a specific request for an open court hearing is allowed. यानी कि same judges रहते हैं जिन्होंने फर्स्ट प्लेस में जजमेंट दिया था। अ पार्टी कैन टेक ओनली 2 limited grounds इन अ क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने के लिए 2 grounds होते हैं। 1, द पार्टी वॉज नॉट हर्ड बाय द कोर्ट बिफोर द एडवर्स जजमेंट वॉज पास्ड। अगर पर्सन को ये लगता है कि उनको सुनवाई ही नहीं हुई थी तभी ये होगा, राइट, तभी ये किया जा सकता है। 2, the judge was biased. A curative plea which follows the dismissal of the review petition is the last legal avenue open for convicts in Supreme Court. Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra and another, 2002. According to the judgment, every curative petition is decided on the basis of principles laid down by the Supreme Court of India. This was a case of a matrimonial discord where the question of validity of a decree of divorce reached the Supreme Court after a woman withdrew the consent she had given to divorce by mutual consent. Court ruled that curative petition can be entertained if the petitioner establishes that there was a violation of principles of natural justice. यानी कि curative petition अगर आपको accept करवाना है तो आपको ये prove करना जरूरी है कि principles of natural justice, जैसे कि सुनवाई देना, अगर जजों ने आपको बिना सुने, अगर judges ने किसी को बिना सुने सजा दे दी है तो दैट इज अ वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तभी ये केस एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा एवेन्यू ये हो सकता है कि या तो जज का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो या फिर जज जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा हो इस मैटर में, तो भी जजेस बायस्ड हो जाएंगे ये सब मैटर्स में। इट विल ऑल्सो बी एडमिटेड वेयर अ जज फेल्ड टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स दैट रेज द अप्रीहेंशन ऑफ बायस। यानी कि अगर जज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस केस के आउटकम में इंटरेस्टेड हैं, उस केस की दोनों में से किसी एक पार्टी से रिलेटेड हैं या उनके रिलेटिव हैं, तो जज को ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्यूरेटिव पिटीशंस मस्ट बी रेयर रादर देन रेगुलर। क्यूरेटिव पिटीशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय सर्टिफिकेशन बाय सीनियर एडवोकेट। तो ये हमने पिछले दिनों भी डीएनए में स्टडी किया था। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी लोग डीएनए देख रहे हो, देखो अभी मैं रेगुलर हूँ, ये आपका कमेंट आया रोहन, ईद के चांद आप हो आजकल, मैं नहीं, दिसंबर से डीएनए जो है हम रेगुलरली करते हुए आ रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, मे बी यू आर ऑन अ मिशन विद, या तो चंद्रयान वगैरह में हो गए आप, अभी वापस आए हो। नाउ इट मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ 3 senior most जजेस एंड द जजेस who pass the concerned judgment if available, circulated to a bench of 3 senior most judges. तो ये curative petition को 3 senior most judges को भेजना जरूरी है। तो guys आप लोगों से request है कि 1 January से at least अपना DNA का backlog, पूरी की पूरी जो है list available है DNA के backlogs में, आप देख सकते हो कौन सा topic आपका miss हुआ है। इसकी list भी हमने release करी थी Facebook पे और Telegram पे। Telegram पे add, अगर आप नहीं हो ऑलरेडी एडेड नहीं हो टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको @JatinVarma0509 ये मेरी पर्सनल ID है, JatinVarma0509, इस पे आप एक मैसेज लिख के भेजोगे अलर्ट से,
यू विल बी एडेड टू दी टेलीग्राम ग्रुप। यहीं पे पीडीएफ वगैरह शेयर किया जाता है। अगर ये तरीका मुश्किल है, टेलीग्राम पता नहीं है क्या है, तो आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे अलर्ट्स लिख के भेज सकते हो, 9598286808 तो शायद हमारी टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी जो प्रिलिम से रिलेटेड है, उसके लिए भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, या अनअकैडमी प्लस पे आएगी शायद, तो इसके लिए भी आप लिख सकते हो, टेस्ट सीरीज इस ग्रुप पे भेज सकते हो अगर इसके बारे में यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। राइट नाउ कमिंग हियर, हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट मी टू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज ऑन अनअकैडमी प्लस, ये आप लिख के भेज सकते हो। सिंपली आपको लिखना है TS या फिर टेस्ट सीरीज और सेंड करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे। जो लोग एडिड नहीं है वो लोग अलर्ट्स लिखेंगे तो काम चल जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल GS मेंस पेपर 1 के लिए, हाउ इज अ लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल इन इंडिया, व्हाट बेनिफिट्स डज अ क्लासिकल लैंग्वेज एंजॉय। अजीत, एट द रिसेंटली कॉन्क्लूडेड 93rd एडिशन ऑफ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, अ रेजोल्यूशन वॉज पास डिमांडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ मराठी एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। इन मैनी ऑफ इट्स कन्वेंशंस मराठी को एक रेजोल्यूशन पास किया गया है कि मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। अभी तक जो 6 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है वो ये लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी मेरे साथ बोलोगे? तमिल नहीं बोलनी है, सिर्फ हिंदी में ही बोलना है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया लैंग्वेज। ओडिया वॉज द लास्ट वन, मलयालम एंड ओडिया लैंग्वेज आर द लास्ट वंस। देखो हम यहाँ पे स्केड्यूल, कौन सा स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। विच स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस? प्लीज आंसर, विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट दीज लैंग्वेजेस? यू हैव टू आंसर दिस। तमिल डिक्लेयर्ड इन 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ लैंग्वेज 2008, राइट। तो अब मराठी राइटर्स जो हैं उनका ये कहना है, मराठी कम्युनिटी का, कि मराठी को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। सम्मेलन एंड एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मराठी राइटर्स वॉज स्टार्टेड इन 1878। अब आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन फेब्रुवरी 2014, जब ये ओडिया लैंग्वेज को ऐड किया जा रहा था, द गाइडलाइंस फॉर डिक्लेयरिंग द लैंग्वेज एज क्लासिकल आर, नंबर वन, High antiquity of its early texts, recorded history over a period of time, recorded history over a period of 1500 to 1000 years. अगर ये नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट। High antiquity, a body of ancient literature and text, a body of ancient literature and text which is considered a valuable heritage by generations of speakers, right? तो ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए तभी एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। द लिटरेरी ट्रेडिशन बी और शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बींग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, देयर मे ऑल्सो बी अ डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑफशूट्स। चार मेजर जो पहलू हैं जो कॉग्नाइजेंस में लिए जाते हैं एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने से पहले, और क्लासिकल लैंग्वेज को बेनिफिट क्या मिलता है, उनको प्रमोट किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नोटेड द बेनिफिट्स, टू मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि दो मेजर अवार्ड्स मिलते हैं। 2014 में अवार्ड वापसी में ये चीज़ भी उठी थी, इन लोगों ने, स्कॉलर्स ने देश में इनटॉलरेंस को लेके ये अवार्ड्स वापस कर दिए थे। Now, a center of excellence for studies in classical languages is set up. Center of excellence भी set up करा जाता है in study, classical language में studies को आगे बढ़ाने के लिए। UGC, Universities Grants Commission, University Grants Commission is requested to create or start with at least in central universities a certain number of professional chairs for classical languages that have been declared as a classical language, right? Now, in 2019, Ministry of Culture ने listed the institutions that have been dedicated to classical languages. संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए कौन कौन से institutes designate करे गए हैं, ये कौन करता है? Ministry of Culture करती है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, Ministry of Culture इसमें involve हो रही है, HRD Ministry इसमें involve हो रही है, दो ministries involve हो रही हैं। और हमने criteria भी देख लिया, क्या criteria है? कोई ऐसा
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, गाइडलाइंस हैं ये। इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मराठी को और ये सब लैंग्वेजेस को पंजाबी को भी इसमें क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दिया जा सकता है, राइट। अगर ये जो गाइडलाइंस हैं उसमें कहीं फिट बैठती है वो लैंग्वेज, तो संस्कृत और तेलुगु के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ले लो स्क्रीनशॉट इसका फटाफट से। गाइज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल फॉर द डे। सो दिस इज देव संस्कृत, आई विल गिव यू अ पॉज ऑफ जस्ट 5 seconds, टेक द स्क्रीनशॉट। So these things are there. Now, Acer flags poor learning outcomes in rural areas. Only 16% of children in class 1 and 26% surveyed rural districts can read a text at the prescribed level, while almost 40% cannot even recognize letters, according to annual status of education report 2019 released by NGO Pratham. Only 41% of these children could recognize two digit numbers. Acer surveyors visited almost 37,000. अब ये Acer को proxy माना जाता था क्योंकि अभी recently नीति आयोग ने एक report जो है school education पे release करी है, उससे पहले guys 16% of the children in class 1, ये Acer survey को प्रथम NGO है, एक annual survey of education report प्रथम NGO द्वारा release करी जाती है। ऑफिशियल कोई रिपोर्ट नहीं आती थी अंटिल रिसेंटली, अभी नीति आयोग ने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं कि सरकारी रिपोर्ट आने लगे और सरकारी रिपोर्ट से ही इसका जायजा लिया जा सके एजुकेशन का स्टेटस क्या है, स्कूल लेवल एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का। तो एसर रिपोर्ट का ये कहना है ओनली 41% ऑफ दीज चिल्ड्रन को रिकोगनाइज टू डिजिट नंबर्स। एसर सर्वेयर्स विजिटेड ऑलमोस्ट 37,000 चिल्ड्रन बिटवीन 4 and 8 years इन 26 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 24 स्टेट्स। They asked each child to do a variety of tasks, testing cognitive skills, sort images by color and size, recognize patterns, fit together a 4-piece animal puzzle. ये सब चीजें जो है cognitive skills को test करने के लिए Acer survey में उपयोग में लाई जाती हैं, ये सब test करवाए जाते हैं। Social and emotional development was tracked through activities using cards with faces showing happiness, sadness, anger and fear. सर्वे ये दर्शाता है अमंग द क्लास वन चिल्ड्रन हु कुड करेक्टली डू नन और ओनली वन ऑफ द टास्क रिक्वायरिंग कॉग्निटिव स्किल्स, अबाउट 14% कुड रीड वर्ड्स वाइल 19% ओनली कुड डू सिंगल डिजिट एडिशन सिर्फ 19% लोग ही कर पा रहे हैं, राइट। इसमें एसर सर्वे में अगर हम देखें right, so this is there. Now, however, of those children who could correctly do all three cognitive tasks, 52% could read words and 63% could solve addition problem. So, Acer data shows that children's performance on tasks requiring cognitive skills is strongly related to their ability to do early language and numerical tasks. यानी कि ये देखा गया कि Children's performance on tasks requiring cognitive skills is strongly related to their ability to do early language and numeracy tasks. Acer report shows that a large number of factors determine the quality of education received at this stage, including the child's home background, especially the mother's educational level, the type of school, whether Anganwadis, government schools or private preschools, and child's age in class 1. The report also found that a classroom could include students from a range of age groups, more than skewing towards younger children in government schools. Report ne ye bhi dekha that a classroom could include students from a range of age groups.
skewing towards younger children in the government schools. तो एज ग्रुप कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 4 ही साल का हो, 5 ही साल का हो, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट? नाउ मोर देन अ क्वार्टर ऑफ क्लास 1 स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स आर ओनली 4 or 5 years old. ऐसा डेटा ये भी दर्शाता है दैट दीज यंगर चिल्ड्रन स्ट्रगल मोर देन अदर्स इन ऑल स्किल्स परमिटिंग अंडर एज चिल्ड्रन इन टू प्राइमरी ग्रेड्स पुट्स देम एट लर्निंग डिसएडवांटेज विच इज डिफिकल्ट टू ओवरकम, राइट? तो गाइज ये बताना चाहूँगा दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो अबाउट मी और हु ऑलरेडी नो अबाउट मी, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि स्टैंड अलोन वे में मैं अपनी वेबसाइट पे www.jatinvarma.org पे ये कोर्सेज लेके आऊँ और आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं करना चाहते हैं. गाइज अभी के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ना ही नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा ऑप्शन है. तो पुटिंग टू रेस्ट ऑल सच थिंग्स, अभी के लिए यही ऑप्शन है कि आप अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेज पा सकते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एट्सेट्रा. जतिन YT71 कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ज़रूर दे दिया जाएगा. ये नया कोड बनाया गया है सो दैट यू गाइज कैन अवेल. तो ये कोर्स आज स्टार्ट हो रहा है, टुडे इज़ द लास्ट डे टू एनरोल योरसेल्फ. बाद में भी आप एनरोल कर सकते हो बट फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए आज एनरोल आप कर सकते हैं इसमें, राइट? ये इसमें क्या है कि टॉपिक बेस्ड अप्रोच हम लेके चलते हैं. जो लोग नहीं जानते हैं इस कोर्स के बारे में, टॉपिक वाइज मैनर में ईच एंड एवरी इशू ऑफ GS वुड बी कवर्ड. करंट अफेयर्स की मैगजीन आप लोग ऑलरेडी एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इस कोर्स का बेनिफिट ये है कि हम ब्रीफ बैकग्राउंड हर इशू का कवर करेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है या फिर एजुकेशन सेक्टर है या फिर फार्मिंग सेक्टर है. उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बाद हम वी विल स्विच ओवर टू सम अदर सेक्टर. कोई और सेक्टर हो सकता है, सोशल वेलफेयर, मेडिसिन, हेल्थ एट्सेट्रा, सभी रिलेटेड लॉज, सभी रिलेटेड लेजिस्लेशंस, फिर करंट अफेयर्स, फिर उसके लिए इंस्टीट्यूशंस कौन सी हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने बनाई हैं, वो सब चीज़ें इंडिया ईयरबुक से लेके या फिर इकोनॉमिक सर्वे से लेके इसी कोर्स में इनकॉर्पोरेट करी जाएंगी. सोर्सेज हम सभी रेफर कर रहे हैं द हिंदू, हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, छोटी छोटी फैक्चुअल डिटेल्स प्लस एनालिसिस विल बी USP ऑफ दिस कोर्स आई वुड से. So you could consider joining this course on Unacademy Plus. Simple, इसमें ये है कि अगर आप annual subscription लेते हो तो भी over the course of the year, entire year, I will be coming up with polity and governance course once before the prelims and then economy courses also in the pipeline from February 15 onwards. इसमें हम budget वगैरह cover करेंगे. तो देखो overall पैसे तो वसूल हो जाएंगे. पहले आप 15,000 का एक course enroll करते थे, लेकिन अब क्या है 36,000 में आई थिंक आपको सारे कोर्सेज जो GS मेन से रिलेटेड हैं, एथिक्स या SA, सभी कोर्सेज आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल जाएंगे, राइट? तो दिस इज देयर. नाउ एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS मेन्स पेपर 3 के लिए अ न्यू वायरस इमर्जेस इन चाइना, कोरोना वायरसेस. इन दिसंबर चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये इन्फॉर्म किया है दैट अ क्लस्टर ऑफ केसेज ऑफ निमोनिया ऑफ अननोन कॉज इन वुहान सिटी Hubei province of China has been found. A few patients in Wuhan had been suffering from respiratory. Just one minute. They've been suffering from respiratory illness such as pneumonia. Besides providing care, Chinese public health officials began carrying out environmental assessments at the wholesale market and trying to identify the microbe causing the outbreak. What are coronaviruses? Coronaviruses are a large family of viruses with some causing less severe common cold to more severe diseases such as severe acute respiratory syndrome and Middle East respiratory syndrome. तो ये दोनों चीज़ें important हो जाती हैं. ये क्या है? Severe acute respiratory syndrome coronaviruses was transmitted from civet cats to humans in China. Civet cats से humans में 2002 में ये China में हुआ था. This Middle East respiratory syndrome coronavirus was from dromedary camels to humans in Saudi Arabia. Camels say humans mein. Has the virus been able to spread among humans? Yes. According to WHO, 763 people, including medical staff who have come in close contact with the patients infected with novel coronavirus, have been identified for close monitoring. Right. Now, so far, the virus doesn't seem to have the ability to spread from one person to another as the infection has not been found in any of the close contacts.
Based on preliminary epidemiological investigation, most of the patients have come in close contact with animals or frequently visited a wholesale seafood market. तो ये सब चीजें हो रही हैं। अब आते हैं फिलीपींस के वॉल्केनो पे। देखो सबसे पहले पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है इस पार्ट को। आप यहां से देखें ऑस्ट्रेलिया इसमें आ जाता है, राइट? इक्वेटोरियल लाइन इसको कट करता है कहीं कहीं पे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये इस तरह का रिंग है, यहीं पे आप देखोगे सुनामी और ये सब चीजें इसी रिंग के इनसाइड ही होती हैं। क्लियर? ये सब जो फिनोमिना है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड के वॉल्केनोज जो हैं इसी में लोकेटेड हैं, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, राइट? इसके पास की जो ट्रेंचेज हैं वो ट्रेंचेज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आपको ये आंसर देना है प्रीलिम्स के लिए, अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अगर वैसे ही खाना पूर्ति के लिए 10 लाख में से एक कैंडिडेट हो तो गलत बात है ये, लेकिन ट्रेंचेज का वॉल्केनोज से क्या लेना देना है, ट्रेंचेस का वॉल्केनो से क्या लेना देना है, क्या इनका कोई लेना देना है या नहीं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। दिस इज द जोन विच इज अर्थक्वेक प्रोन। ओके, सुंडा ट्रेंच और जावा ट्रेंच कहाँ पे है, ये माउंट, ये जो है मैप स्टडी थोड़ा सा आज हम करेंगे। मैरियाना ट्रेंच कहाँ है, चैलेंजर डीप कहाँ है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। जापान में जो 2011 में सुनामी आई थी वो इसी की वजह से थी, राइट? 2011 की सुनामी इसी वजह से, जापान की इकोनॉमी जो आज भी नहीं उभर पा रही है इसी वजह से। पुएर्टो रिको ट्रेंच कहाँ पे है, माउंट गरिबाल्दी, माउंट सेंट हेलेंस कौन सी कंट्री में, ये पढ़ते हैं ये आपको बताना है। माउंट गरिबाल्दी कौन सी कंट्री में है, प्लीज आंसर। माउंट पिनाटुबो, माउंट मेयोन, माउंट पिनाटुबो कौन सी कंट्री में, माउंट मेयोन कौन सी कंट्री में है, ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। देन माउंट कराकटोआ, माउंट कराकाटोआ ये आपको आंसर करना है। कौन सी ट्रेंच इसके पास में पड़ती है ये भी आपको आंसर करना है, क्योंकि क्योंकि अब यहाँ पे देखते हैं ये फिलीपींस में एक पुराना जो वॉल्केनो है वो दोबारा से डोरमेंट वॉल्केनो जो है एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है उसी की वजह से। तो ये स्टडी करते हैं सीक्वेंस में। अ वॉल्केनो नियर फिलीपींस फिलीपीन कैपिटल स्प्यूड लावा इन टू द स्काई एंड ट्रेम्बल्ड कॉन्स्टेंटली पॉसिबली पोर्टेंडिंग अ बिगर एंड मोर डेंजरस इरप्शन। फिलीपींस इकोनॉमी बार बार इससे जो है वॉल्केनो से जूझती आई है पास्ट में। एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लेड विलेजेस डार्केंड एंड ब्लैंकेटेड बाय हैवी एश। द कॉन्टिन्यूस रेस्टिवनेस ऑफ टाल वॉल्केनो एंड सेवरल न्यू फिशर्स क्रैकिंग द ग्राउंड नियर बाय लाइकली मीन्स मैग्मा इज राइजिंग एज वेल एंड मे लीड टू फर्दर इरप्टिव एक्टिविटी। The volcano was spurting fountains of red-hot lava 800 meters, that is half a mile into the sky, and the massive column of ash and volcanic debris at times flashed with streaks of lightning. Continuous restiveness of Taal volcano and several new fissures cracking the ground nearby means magma is rising. तो ये सब चीजें हैं। Early indications शायद ये जो है volcano दे रहा है यहाँ पे, आप देखते हैं। दूसरा Mount Pinatubo ब्लू इट्स टॉप नॉर्थ ऑफ मनीला इन 1991। लास्ट टाइम ये माउंट पिनाटुबो जो है इरप्ट हुआ था 1991 में, इन वन ऑफ द बिगेस्ट वॉल्केनिक इरप्शंस ऑफ 20th सेंचुरी किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। मनीला स्कूल्स एंड बिजनेसेस ये सब चीजें हैं। तो आपको ये देखना है मनीला बे कहाँ पे है, लगुना लेक कहाँ पे है, लगुना लेक की कुछ स्पेशल फीचर्स क्या है ये आंसर करेंगे। बार बार ऐसा देखा गया, एक तो ये साउथ ईस्ट एशिया, राइट, और दूसरा ये वॉल्केनो के इरप्ट होने की न्यूज। तो इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं लगुना लेक के, ये आपको बताने जरूरी हो जाते हैं। ताल वॉल्केनो कंट्री का सेकंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। इट हैज इरप्टेड मोर देन 30 टाइम्स इन पास्ट 500 इयर्स, मोस्ट रिसेंटली इन 1971। इरप्शन इन 1911 किल्ड 1500 पीपल। अब ये आपको देखना है बेटेंगस बे कहाँ पे है, बालियान बे, देन साउथ चाइना सी के अराउंड ये एरिया है। नाइन डैश लाइन क्या है ये आपको बताना है, व्हाट इज नाइन डैश लाइन क्या है ये भी आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। रिंग ऑफ फायर क्या है ये आज अपना मैप खोलोगे और इसे थोड़ा सा स्टडी करोगे। नाउ ताल वॉल्केनो इज द लार्ज कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो, ये थोड़ा सा सही करोगे। द लेक पार्शली फिल्स ताल कैलडेरा। कैलडेरा क्या होता है ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ोगे आज। कैलडेरा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलडेरा, राइट? Viewed from Tegete Ridge in Cavite, Taal Volcano and Lake presents one of the most picturesque and attractive views in Philippines.
So, in the future, there will be more rain but less water in the Nile Basin. Climate projections ये बताती हैं कि नाइल में ये होने जा रहा है. अब नाइल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं. नाइल कहाँ है, ब्लू नाइल कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे वाइट नाइल बन जाती है, दोनों रिवर्स कहाँ पे मर्ज होती हैं, उसके अराउंड जो लेक है उसका नाम क्या है, ये सारा आज फिजिकल ज्योग्राफी पे हम स्टडी करेंगे और आप लोग आंसर करेंगे. राइट. नाइल रिवर, ब्लू नाइल और वाइट नाइल, दोनों में से लेंदी कौन सी है? सूडान का डिवीजन कब हुआ था, कौन सी ईयर में सूडान वॉज डिवाइडेड इंटू टू कंट्री? डज द इक्वेटोरियल लाइन पास थ्रू एनी ऑफ द सूडान? इक्वेटोरियल लाइन क्या सूडान से पास होती है या नहीं, ये आपको बताना है. और नाइल रिवर पे कौन कौन से लेक्स जो हैं वो लोकेटेड हैं? नाइल रिवर कौन से लेक से स्टार्ट होती है? वाइट नाइल कौन से लेक से स्टार्ट होती है? ब्लू नाइल कौन से लेक से स्टार्ट होती है? इस लेक का नाम क्या है? आज ज्योग्राफी पढ़ेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा इसमें. दीज कंडीशंस विल अकर, ये जो चीज़ें हैं ये बताई जा रही हैं कि रेनफॉल होगा. देखो ये न्यूज़ है, थोड़ा सा खुद पढ़ोगे इसे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये इंडिया के बारे में होती या कुछ मेजर होता तो हम पढ़ते. राइट. These conditions will occur simultaneously with the region's rapid population growth, anticipated to double by the middle of this century. This will increase water stress in the region irrespective of the modest rainfall increases. Clear? At present, around 10% of the basin's population faces chronic water scarcity due to the region's seasonal aridity and highly unequal distribution of water resources. So, socio-economic and political landscape, these climate and population changes will project onto an already complex and tense socio-economic and political landscape. So, ये सब चीज़ें हैं. Causes for dry years, ये सब भी चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगी इसमें. अभी के लिए हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं आज के लिए, क्योंकि और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसमें. Cooperative water sharing institutions within the basin, ये सारा थोड़ा सा गाइस इसे देख लेना. PDF के लिए जो ऐप www.jatinvarma.org से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं. www.jatinvarma.org. क्लियर. jatinvarma.org से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं. लेक टना, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम. लेक टना कहाँ पे है ये आप बताओगे, कौन सी कंट्री में लेक टना. और लेक नासिर, लेक नासिर की कोई स्पेशल प्रॉपर्टी ये बताएंगे आप. राइट. नाउ एक्सक्लूजन एरर्स, रिकॉर्डिंग द फीमेल फेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्राइसिस. महाराष्ट्र के 2019 के असेंबली इलेक्शंस, विदर्भ कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेजेंटेड इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स. विदर्भ कॉन्स्टिट्यूएंसी में द रीजन इज इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकली, नॉट जस्ट फॉर द पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट्स, यानी कि जो दिग्गज नेता हैं उनके लिए ही नहीं, बट ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट इशूज इट रिप्रेजेंट्स. मोर दैन 3 लाख फार्मर्स हैव कमिटेड सुइसाइड इन इंडिया बिटवीन 1991 एंड 2015. महाराष्ट्र हैज बीन अफेक्टेड द वर्स्ट विद अराउंड 15,000 फार्मर सुइसाइड्स ड्यूरिंग 2013 टू 2018. Right, according to data retrieved under right to information. The state house is Mumbai, the country's financial hub, but suffers chronic agricultural distress resulting in rampant farmer suicides. Regional variations between western and eastern Maharashtra and the consequent inter and intra-regional inequalities add to the dichotomous character of the geography. While the western Maharashtra is rich in sugarcane and profitable crops, eastern Maharashtra, which includes Vidarbh, has largely remained in the fringes of agricultural prosperity and economic activity and economic development. In the macro context of such agricultural distress, one point that requires imminent attention is the invisible female face of the crisis. The plight of women in agriculture, women laborers, women farmers, widows and adolescent girls. Ye sab cheeze Vidarbh mein dekhne ko mil rahi hain. Vardha district has suffered one among the largest spate of suicides according to several agencies. So all these things are there. Just 1 minute, guys. Now, merely 2-3
hours away from Nagpur, Wardha is yet to benefit from the economic. Away from Nagpur, Wardha is yet to benefit from the economic dividends. तो skewed growth के लिए हमारी constitution में या हमारी polity ने क्या solution ढूंढा है इसका, आपको ये भी बताना है. skewed जो हम growth देख रहे हैं, economic growth जो है skewed है काफी ज्यादा, इसके लिए हमारे पास solution क्या है आपको ये बताना है. What is the solution? Backward regions grant fund. Backward regions grants fund, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है. बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड कब एस्टैब्लिश किया गया था, कौन से फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, कौन से फाइव ईयर प्लान में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, ये आपको बताना है. राइट नाउ हितवादा रिसेंटली पैक द नंबर ऑफ फार्मर्स suicides in the division at 4158 since 2001. Wardha alone accounted for 1700 of them. तो वर्धा में सिर्फ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं. इन 2016 अराउंड 109 फार्मर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट रोड टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सीकिंग टू कमिट सुइसाइड ड्यू टू क्रॉप फेलियर, लेकिन इस पर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हुआ. वर्धा एडमिनिस्ट्रेशन एस्टिमेटेड द टोटल नंबर ऑफ सुइसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट अराउंड 630. Of them, 464 cases were found eligible for relief by a committee headed by district collector. Baki cases mein 46 cases of women or girls committing suicide were reported between 2015 and mid-2019, depicting the rising and hidden problem of women taking their own lives. Okay, the district administration has started a counseling center. Despite several central and state level measures, however, the issue of farm suicides is mired with several structural problems. This makes the redressal difficult and some exclusion errors exacerbate the gender divide as well. Niva Singh, speed वहाँ पे बढ़ा रहा हूँ जहाँ पे चीजें ज़्यादा important नहीं हैं. I hope you guys understand. देखो ये सब चीजें हमें इसका trend समझना है सिर्फ. बाकी सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पे अटेंशन चाहिए वहाँ पे मैंने बहुत स्लोली इन चीज़ों को डील किया है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ एक ब्रॉड हमें पता होना चाहिए क्या चल रहा है उसमें स्लो करके ये चीज़ों को मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, इसलिए मुझे स्पीड थोड़ा सा बढ़ानी पड़ती है. रेस्ट एश्योर्ड आप आश्वस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है. जहाँ पे पता है मुझे कि कहाँ पे स्पीड कम करनी है कहाँ पे ज़्यादा. एक्सक्लूजन एरर क्या होता है, कंसिडर द फैक्ट दैट डेटा ऑन फार्म सुइसाइड्स वॉज इनिशियली मिसिंग इन द रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय एनसीआरबी. लैक ऑफ एस्टिमेट्स, जो एनसीआरबी के वहाँ पे एस्टिमेट्स ही नहीं है रिपोर्ट में, मैनिफेस्ट्स द एग्रीकल्चर क्राइसिस दैट द कंट्री इज रीलिंग अंडर. इन सच अ सिनेरियो इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम लेट अलोन अराइविंग एट द जेंडर सेग्रीगेटेड डेटा. Clear. Second, the female face of the problem remains hidden. According to the agriculture census 2015, 88.46% of rural women are employed by agriculture, the highest in the country in Maharashtra. India alone has the highest number of widows, more than 46 million, according to Lumba Foundation. According to the statistics by BBC, British Broadcasting, there were more than 53,000 farm widows in Maharashtra, of whom around 10,600 were in Vidarbha. Right, तो ये सब चीज़ें हैं. Coming here, according to 2000, ये काफ़ी detailed study है, इस पर हमें ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत. Right, इसीलिए according to, in order to arrive at, अब इसके solution पे आते हैं सीधा. In order to arrive at solutions, holistic agriculture policy level solutions, it is imperative for policy makers and governments to understand the female face of farmer suicide conundrum. Despite doing almost 60 to 80% of the farm work, Indian women owned only 13% of the land. Oxfam report jo hai wo ye darshati hai, 2013 ki report hai. They constituted 73.2% of the agricultural workforce. India Spend ka ye claimed hai. India Spend ek aur institution hai jo ye reports leke aati hai. 73.2% वर्कफोर्स होने के बावजूद भी 13% ऑफ वुमेन जो है वो लैंड ओन करती हैं. तो एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसका ब्रॉड टॉपिक है. जीएस मेंस पेपर 3 के लिए ये रेलेवेंट है. फेमिनाइजेशन यानी कि महिलाकरण हो रहा है जो हमारे कृषि क्षेत्र का, एग्रीकल्चर का. क्लियर. नाउ मेजर्स क्या क्या चाहिए. लोन वेवर्स
measures such as loan waivers are there, but band-aid solutions to a larger malaise, यानी कि हम हमेशा कहते रहते हैं कि सरकार को एक लॉन्ग टर्म इटर्नल सोल्यूशन जो कि कैनाल्स वगैरह बनाने से आएगा, ये band-aid टाइप के सोल्यूशन फार्म लोन वेवर्स देने से ज़्यादा राहत मिलती हुई नज़र नहीं आती। अगर फार्म लोन वेवर एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल सोल्यूशन होता तो इसको देने के बाद अगले 5 साल में चुनाव से ठीक पहले देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉपुलिज्म शुड गिव वे टू ड्यूरेबल सॉल्यूशंस। इरीगेशन नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है, APMC एक्ट को रिमूव करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट को रिमूव करने की ज़रूरत है ताकि फार्मर्स को कमीशन एजेंट्स के मोनोपोली या ओलिगोपोली से छुड़ाया जा सके, इसकी ज़रूरत है यहाँ पे। नाउ PIB पे क्विकली एक नज़र डालते हैं। MOU बिटवीन SCR ऑफ इंडियन रेलवेज एंड SBI फॉर डोर स्टेप बैंकिंग कवरिंग ऑल 585 स्टेशंस। सदर्न सेंट्रल साउथ सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवेज और SBI ने डोर स्टेप बैंकिंग के लिए ये MOU साइन किया है। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे आपको ये पता लग रहा है कि किस वे में क्या क्या इनोवेटिव तरीके लिए जा रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इससे फायदा क्या होगा, दिस विल एनेबल हैजल फ्री कलेक्शन ऑफ ट्रैफिक अर्निंग्स बाय SBI एंड रिमिटेंस इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट। द डायरेक्ट पिकअप ऑफ कैश फ्रॉम ऑल रेलवे स्टेशंस ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे जोन एज पर द MOU डिस्पेंसेस विद TDS एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश अर्निंग्स थ्रू कैश सेफ्स बाय द ट्रेन्स। राइट, तो डायरेक्ट कलेक्शन हो जाएगी तो इससे काम आसान हो जाएगा। ऑल द रेलवे स्टेशंस विल हैव यूनिफॉर्म कैश रिमिटेंस मैकेनिज्म, रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश बीइंग डिपॉजिटेड बाय डिफरेंट स्टेशंस व्हिच विल हेल्प इन बेटर सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी। इसी के साथ साथ और भी देख लेते हैं, ये इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नाउ इन केस ऑफ मेजर स्टेशंस अर्निंग्स वर बीइंग रिमिटेड बाय कंसर्नड कमर्शियल सुपरवाइजर एट नॉमिनेटेड नियरेस्ट बैंक which necessitated that security escorts from railway protection force personnel accompany the official. अब ये सारी जो wasteful expenditure है इसे कम किया जा सकेगा। तो rational and process of urea import on government account, इसे हम किसी और दिन study करेंगे, अच्छी news है, but आज time paucity के चलते because I have a class on Unacademy Plus at 10 AM, तो इसलिए। तो गाइज 8:30 AM पे कल फिर से मुलाकात होगी, 16 जनवरी 16th of January का डेली न्यूज एनालिसिस। आई विल ट्राई टू स्टार्ट द DNA एट 8 AM टुमारो, इट विल बी माई एंडेवर टू स्टार्ट द DNA एट 8 AM। तो स्टे ट्यून्ड अकॉर्डिंगली, एंड अगेन चलते चलते बताना चाहूँगा जिन लोगों को नहीं पता, करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स आज स्टार्ट हो रहा है 15th of January को। तो आज आप लोग जो 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए पूरा करंट अफेयर्स, स्कीम्स एंड पॉलिसीज, मिसाइल्स की रेंजेस, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, बायो रेमेडिएशन, ये सब टेक्निक्स क्या है एनवायरनमेंट इकोलॉजी में, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया USA, इंडिया जापान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब कुछ इस कोर्स में कवर होगा। आपको करना सिर्फ कुछ नहीं है, अनअकैडमी की एक ही मेंबरशिप लेनी है, सब्सक्रिप्शन, मेरे सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। इस बैच का स्टार्टिंग है, इसका टाइम रहता है 1 PM। आप लोग रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो, अगर आप ये कोड यूज़ करते हो जतिन वर्मा 71 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो दिस वाज ऑल इन टुडेज DNA। कल फिर मुलाकात होगी डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।